जियो फोन में ब्लास्ट। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह ट्विटर पर कुछ एक ऐसी इमेजेज पोस्ट की गई थी जिनमें दिखाया जा रहा था कि जियो फोन में ब्लास्ट हो गया है, लेकिन असलियत कुछ और है। ये जो पिक्चर्स यहाँ पर पोस्ट की गई थी वो आजाद कश्मीर ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई थी। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा आजाद कश्मीर किस टाइप का अकाउंट यहाँ पर होगा, और आप सोच सकते हैं कि इंडियंस के लिए इस टाइप के अकाउंट से किस टाइप के पोस्ट किए जाते होंगे। तो यहाँ पर जो इमेजेस इस अकाउंट से पोस्ट की गई थी उसमें दो इमेजेस पोस्ट की गई थी। एक में दिखाया जा रहा है फोन का फ्रंट पैनल, दूसरे में दिखाया जा रहा है फोन का बैक पैनल। अगर आप फोन के पीछे की तरफ देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो उसका बैक पैनल है वो वहां पर मेल्ट हुआ है, और बताया जा रहा है कि फोन में ब्लास्ट हो गया है। अगर फोन में ब्लास्ट होता तो ज्यादातर ब्लास्ट जो होता है वो बैटरी की वजह से होता है, लेकिन इस फोन में आप देख सकते हैं बैटरी बिल्कुल सेफ है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ और सिर्फ जो फोन का बैक पैनल है वो वहां पर मेल्ट हुआ है, और आगे यानी कि फ्रंट पैनल पर आप देखेंगे फोन बिल्कुल सेफ है। यानी कि ये जियो फोन ब्लास्ट का मामला नहीं है, यहाँ पर ये इमेज खराब की जा रही है इंडिया की और इंडियन कंपनीज की, क्योंकि ये अकाउंट आप सोच सकते हैं आजाद कश्मीर किस टाइप का अकाउंट होगा। तो दोस्तों जियो फोन में अभी तक कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ यहाँ पर कुछ एक गलत पोस्ट किए जा रहे हैं ट्विटर पर। और दोस्तों जियो की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है जिसमें बताया जा रहा है। सभी जियो फोन्स को वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर मैन्युफैक्चर और डिजाइन किया जाता है। एक और हर एक डिवाइस को कड़ी गुणवत्ता प्रक्रिया से गुजरना होता है जब जब एक डिवाइस बाजार में लाया जाता है। इस घटना को लेकर हमें सूचित किया गया है। हमारी प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह जानबूझकर तोड़फोड़ का मामला है। इस डिवाइस को नुकसान जानबूझकर पहुंचाया गया है। इस घटना के साथ साथ अगर इसके समय पर नजर डाली जाए तो ऐसा लग रहा है कि यह सब निहित स्वार्थ को देखकर ब्रांड की छवि को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया मामला है। हम आगे की जाँच के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। और फ्रेंड्स, रिलायंस जियो का जैसे ही यहाँ पर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसके बाद जो वो ट्वीट था वो वहां से ट्विटर से हटा लिया गया है। तो दोस्तों जियो फोन में ब्लास्ट का कोई मामला यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।